हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक अच्छा सा निबंध पढ़ेंगे। पता है किसके ऊपर? होली। होली एक बहुत अच्छा और रंगों का त्योहार है, जिसमें हम एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, ढेर सारी चीजें खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर होली का त्योहार मनाते हैं। तो चलिए, बस अब हम इस निबंध को, होली के निबंध को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, होली। निबंध। अध्ययन से पूर्व, मतलब निबंध पढ़ने से पहले। तो बच्चों, यह एक कक्षा, एक क्लासरूम का सीन है। तो बच्चों, इस चित्र में एक टीचर अपने विद्यार्थियों से पूछ रहा है कि क्या वो होली के बारे में जानते हैं। बच्चों, होली के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे बैठे विद्यार्थी जवाब देते हैं कि होली मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इस दिन ढेर सारे मिठाइयाँ और पकवान खाता हूँ। यह त्योहार फागुन महीने में मनाया जाता है। फागुन महीना मार्च में आता है। मार्च के महीने को हम फागुन का महीना भी कहते हैं। और इसमें एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होली के त्योहार में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर हम होली का त्योहार मनाते हैं। निबंध का मूल तत्व। होली का त्योहार हमें ईर्ष्या, मतलब जलन, द्वेष आदि बुराइयों को दूर कर आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और समानता के साथ मिलकर रहना सिखाता है। होली का त्योहार मतलब वहाँ पर आप अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों सबको अच्छे से एक रंग लगाते हैं और अपने बीच की सारी बुराइयों को, सारी ईर्ष्याओं को मिटाकर आपस में अपना प्रेम, भाईचारा, सद्भाव और समानता के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम निबंध पढ़ते हैं। होली रंगों का त्योहार है। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। यह सभी को प्रेम उमंग से सराबोर होकर थिरकने पर मजबूर कर देता है। होली के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। तो बच्चों, होली का त्योहार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फागुन मास यानी कि मार्च में मनाया जाता है, और मार्च में भी पूर्णिमा तिथि को, जब पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है, उस होलिका दहन के अगले दिन ही धुलहेंडी यानी कि होली का पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग सभी आपसी प्रेम और उमंग के साथ होली का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि होली से संबंधित एक बहुत पुरानी, प्राचीन काल से एक कहानी चलती आ रही है? चलिए उस कहानी को पढ़ते हैं कि होली से संबंधित ऐसी कौन सी कहानी है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राजा था, मतलब कि बहुत बुरा राजा था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह ईश्वर को नहीं मानता था, मतलब वो बहुत नास्तिक था, उसके लिए कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर नहीं था। उसका एक पुत्र था, उसका एक बेटा था और उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अभी बालक ही था, मतलब प्रहलाद अभी छोटा बच्चा ही था। वह ईश्वर का सच्चा भक्त था, मतलब जब वो छोटा था वो तब से ही भक्ति भाव में डूबने लगा। वो ईश्वर को बहुत मानता था, वो उनका बहुत ही ज्यादा सच्चा और अच्छा भक्त था। पिता को उसकी भक्ति पसंद नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हिरण्यकश्यप था वो भगवान को मानता ही नहीं था, उसके लिए कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर नहीं थे। तो वो जब अपने बच्चे, अपने बेटे प्रहलाद को भक्ति करता देखता था, उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उसको उसकी भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो उसने प्रहलाद को ऐसा करने से मना किया, पर प्रहलाद पर इसका कोई असर ना हुआ।
जो हिरण्यकश्यप था उसने अपने बेटे प्रहलाद को भक्ति करने से मना किया कि तुम पूजा पाठ नहीं करोगे, तुम ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे। लेकिन प्रहलाद बहुत ही अच्छा और सच्चा भक्त था। उनको अपने पापा की यानी कि हिरण्यकश्यप की बात का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो अपनी भक्ति में ही लीन रहते थे और वो आगे भी भक्ति करते रहते थे। उससे क्या हुआ, उनका जो भक्ति भाव था वो और ज्यादा बढ़ता ही गया। वो और ज्यादा भक्ति भाव में डूबते रहने लगे। पिता ने उसे पहाड़ से नीचे गिराया, सागर की लहरों में फेंका, परंतु वह भगवान की कृपा से हमेशा बच गए। तो जब उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी तो उन्होंने उन्हें मारने का सोचा कि मेरा बेटा मेरे कहे रास्ते पे नहीं चल रहा है, मैं इस बेटे को मार दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे पहाड़ से नीचे गिराया, लेकिन प्रहलाद बच गया। उन्होंने उसे सागर में फेंका, लेकिन भगवान की कृपा से वो वहां भी बच गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद बहुत ज्यादा भक्ति भाव करने वाला था। आखिर में उसने अपने भक्त पुत्र को मारने के लिए एक और योजना बनाई। उसने एक और योजना बनाई ताकि वो अपने बेटे को मार सके। हिरण्यकश्यप की बहन थी एक, उसका नाम क्या था, होलिका। उसको एक वरदान मिला था, और उसको वरदान में क्या मिला था, दुपट्टा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान में एक दुपट्टा मिला था। हाँ, तो जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान के रूप में एक दुपट्टा मिला था, जिसे ओढ़कर जब भी वो आग अग्नि में प्रवेश करेगी, मतलब अग्नि में जाएगी, तो आग उसको कभी भी जला नहीं पाएगी। मतलब उसको भगवान ने यह वरदान दिया था कि जब वो दुपट्टा ओढ़कर आग की किसी भी चीज में जाएगी तो वो कभी भी जलेगी नहीं, उसको किसी भी तरह की आग उसे जला नहीं सकती है। जिसे ओढ़कर जब वह अग्नि में प्रवेश करेगी तो उसे वो जला नहीं पाएगी। अतः उसने अपने भाई की आज्ञा से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। उसने और उसके भाई यानी कि होलिका और हिरण्यकश्यप ने मिलके ये प्लान बनाया, ये योजना बनाई कि वो प्रहलाद को आग में जलाकर मार देंगे। तो वह उसने पता क्या किया, उसने किया कि जो होलिका थी उसने अपना दुपट्टा ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में प्रवेश कर गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से दुपट्टा होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका जल गई और बुराई का अंत हुआ। तो पता है क्या हुआ कि जो दुपट्टा उसको वरदान के रूप में मिला था कि वो दुपट्टा ओढ़कर जब भी वो आग में बैठेगी वो कभी भी नहीं जलेगी, मतलब किसी भी अग्नि किसी भी आग के पास अगर वो दुपट्टा ओढ़कर जाएगी तो वो नहीं जलेगी। तो जब वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो बहुत जोर से हवा चलने लगी, और वो हवा भगवान विष्णु की कृपा से वो दुपट्टा ओढ़कर प्रहलाद जिसको वो अपनी गोद में लेकर बैठी थी उस पर आ गया। तो जब वो दुपट्टा प्रहलाद पर आ गिरा तो उस आग में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। मतलब बुराई खत्म हुई और अच्छाई की जीत हुई, बुराई का अंत हुआ। तो हम इस अवसर पर लोगों ने खूब खुशियां मनाई। आज भी गांव में होली की रात को एक लकड़ी के चारों तरफ कपड़े लपेट उसके आसपास उपले लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। आज भी लोग होली से एक दिन पहले होलिका का दहन करते हैं, मतलब लकड़ियों का ढेर सारा वो इकट्ठा कर होली की रात को लकड़ी के चारों तरफ कपड़े लपेटकर उसके आसपास उपले गोबर के उपले लकड़ियां रखकर आग जलाते हैं, उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो बच्चों पता है आपको, इस त्योहार में सब लोग एक दूसरे पर रंग भी डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। बच्चे पिचकारियों में रंग भरकर एक दूसरे पे डालते हैं। इस दिन ऊंच नीच छोटे बड़े का भेद मिट जाता है। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर बैर भाव भूल जाते हैं। यह त्योहार दोपहर तक चलता है। इसके बाद लोग नहा धोकर अपने मित्रों के घर जाकर मिठाइयां खाते हैं और खिलाते हैं। तो बच्चों होली के दिन लोग एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, और जो बच्चे होते हैं आप जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो बच्चे होते हैं वो पिचकारियों में रंग भरकर
व गुलाल भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। और इस दिन कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं देखता। वो सारे भेद मिट जाते हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बैर भाव, मतलब कि आपसी मन मुटाव, मतलब अगर कोई किसी से नाराज है, कुछ है, तो वो सारे मन मुटाव खत्म कर सब भूल कर ये त्योहार मनाते हैं। लेकिन यह त्योहार सिर्फ दोपहर तक चलता है, उसके बाद लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, यानी कि अपने मित्रों के घर जाते हैं और वहां जाकर मिठाइयां खाते हैं और खिला के ये त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, थी ना अच्छी कहानी होलिका की। चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। उमंग मतलब खुशी, अवसर मतलब मौका, लपेट मतलब बांध कर, भक्त मतलब जो भगवान की पूजा करने वाला हो, भक्ति भाव मतलब भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से युक्त, मतलब जो भगवान को हर चीज में याद रखता हो, भगवान के प्रति हमेशा श्रद्धा रखता हो, हर चीज में भगवान को पहले याद करता हो। अगला है अत्याचारी, मतलब दूसरों को सताने वाला, मतलब दूसरे को परेशान करने वाला। अगला शब्द है प्रज्वलित, मतलब कि जलाना। बैर भाव मतलब आपसी मन मुटाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को उच्चारण करना है, तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। सराबोर, प्रहलाद, प्रज्वलित, प्रज्वलित, हिरण्य कश्यप। अगला शब्द है प्रवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रुत लेख, मतलब लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको अपनी किताबों में लिखकर अभ्यास करना है, तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों को अपनी अपनी किताबों में लिखिए। तो बच्चों, पहला शब्द क्या है? वेरी गुड, पहला शब्द है सच्चा। स, अधच, च, अ, सच्चा। अगला शब्द है फ, अ, ल, ग, उ, न, फागुन। तीसरा शब्द है बच्चों दुपट्टा। द, उ, प, ट, ट, आ, दुपट्टा। अगला शब्द है ख, उ, ई, श, या, आ, खुशियां। आखिरी शब्द है ओ, ळ, क, र, ओढ़कर। थे ना मजेदार शब्द? तो बच्चों, जो कहानी अभी हमने होलिका की पढ़ी, उससे संबंधित अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, मतलब उससे संबंधित अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए, स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके उत्तर बताने हैं। तो बताओ, पहला प्रश्न है, होली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? फागुन के महीने में। फागुन के महीने में। अगला प्रश्न है, प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? उस अत्याचारी राजा का क्या नाम था? वेरी गुड,
हिरण्यकश्यप। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। ग, हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन का क्या नाम था? वेरी गुड, हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न दो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आप लोगों को ध्यान से पढ़कर लिखना है। तो बताइए, क, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को क्यों मारना चाहता था? बताओ बच्चों, हिरण्यकश्यप तो एक पापा थे, एक पिता थे, तो वो अपने बेटे प्रहलाद को ही क्यों मारना चाहते थे? वेरी गुड, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को इसलिए मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप को प्रहलाद का भक्ति करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप भक्ति भाव में बिल्कुल नहीं थे, वो भक्ति नहीं करते थे। तो जब वो प्रहलाद को भक्ति करते देखते थे, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और हिरण्यकश्यप के मना करने के बाद भी मना करा गया, लेकिन तब भी प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप की एक बात ना मानी। वो भक्ति में और बढ़ने लगे और लीन रहने लगे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का सोचा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होली के दिन कौन सा भेद मिट जाता है? मन मुटाव, छोटे बड़े, ऊंच नीच का। होली के दिन ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेद मिट जाता है और सब आपसी मन मुटाव को भुलाकर प्रेम से होली का त्योहार मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन के साथ मिलकर कौन सी योजना बनाई? तो बच्चों, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर क्या योजना बनाई थी? वेरी गुड, हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी कि होलिका को वरदान था, उसे उस वरदान के रूप में एक दुपट्टा मिला था, जिस दुपट्टे को ओढ़कर अगर वो अग्नि के पास जाएगी, मतलब आग के पास जाएगी, तो वो आग उसे जला नहीं पाएगी। तो बस हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि तुम उस दुपट्टे को ओढ़कर प्रहलाद को लेकर आग में, यानी अग्नि में बैठ जाना, जिससे प्रहलाद तो जल जाएगा लेकिन तुम बच जाओगी। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घ, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? हम होली का त्योहार कब मनाते हैं? वेरी गुड, हम होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न तीन। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिए गए जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, उन्हें दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनकर, सही आंसर चुनकर आपको दिए गए रिक्त स्थान पर उसका जवाब लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, होली के दिन लोग डैश डालते हैं। बताइए, होली के दिन लोग क्या डालते हैं? लड़ाइयां करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, या इनमें से कुछ नहीं करते? वेरी गुड, होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ख, प्रहलाद जैश भक्ति करता था। प्रहलाद किसकी भक्ति करता था? होलिका की। क्या प्रहलाद होलिका की भक्ति करता था? नहीं, ईश्वर की। प्रहलाद ईश्वर की भक्ति करता था। प्रहलाद असुरों की भक्ति करता था, या प्रहलाद अपने पापा हिरण्यकश्यप की भक्ति करता था? वेरी गुड, प्रहलाद ईश्वर की भक्ति करता था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है। प्रहलाद आग में टैश नहीं जल पाया। प्रहलाद आग में क्यों नहीं जल पाया? क्योंकि आग कम होने के कारण, या वरदान मिला होने के कारण, या फिर
होलिका का दुपट्टा उसके ऊपर होने के कारण या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? होलिका का दुपट्टा उसके ऊपर होने के कारण, क्योंकि जैसा हमने अभी निबंध में पढ़ा, होलिका के दुपट्टे को तो वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेगा। इवन जिसमें जो वो दुपट्टा ओढ़कर आग के पास जाएगा, वो इंसान, वो व्यक्ति भी कभी नहीं जल सकता। तो वही होलिका का दुपट्टा जब प्रहलाद पे जाके गिरा तो प्रहलाद आग में नहीं जल पाया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको ये दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़ने हैं और सही वाक्यों के आगे सही का और गलत वाक्यों के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों बताओ, होली का त्योहार सभी को प्रेम और उमंग से क्या सराबोर कर देता है? क्या ये वाक्य सही है? वेरी गुड, ये वाक्य सही है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, होली का त्योहार चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या हम होलिका का त्योहार चैत्र महीने में मनाते हैं? नहीं, हम होलिका का त्योहार फागुन मास में मनाते हैं। तो यह वाक्य गलत है, इसीलिए हम यहाँ गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग, क्या प्रहलाद भगवान शिव का भक्त था? नहीं, प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। तो हम यहाँ भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यह वाक्य गलत है। चलिए अब अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, क्या प्रहलाद अग्नि में जलकर मर गया था? नहीं, प्रहलाद पे तो होलिका का दुपट्टा आ गया था, तो प्रहलाद अग्नि से बच गया था। तो यह वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ भी गलत का चिन्ह लगाएंगे। होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं। क्या हम होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं? वेरी गुड, हम होली के दिन एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, होली के संबंध में जो प्रचलित कथा आपने की पाठ्य पुस्तक में दी गई है, आप उससे क्या सीखते हैं? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी पाठ में होली के संबंध में एक कहानी पढ़ी, एक कथा पढ़ी, तो क्या आप उससे कुछ सीखते हैं? और आप उससे क्या क्या चीजें सीखते हैं, आपको ये सोच समझकर बताना है। तो बच्चों, जो अभी हमने पाठ में होली से संबंधित होलिका की कहानी पढ़ी, उससे हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी बुराई का साथ नहीं देना चाहिए और हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। क्यों? बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए हमें हमेशा अच्छाई और सच्चाई का साथ देना चाहिए। चलिए अब आप लोगों को ये प्रश्न को अपने दोस्तों के साथ उसकी चर्चा करनी है और सोच समझकर उसका उत्तर अपनी अपनी किताबों में लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए, लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों में अनुस्वार मतलब अंकी बिंदु और अनुनासिक मतलब कि चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो बच्चों, जैसे हमने कक्षा 1 यानी कि पार्ट 1 में अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ा था, तो बस हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में हमें अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर वो शब्दों को दोबारा लिखना है। तो शुरू करते हैं। अंश, अंश में अनुस्वार आता है या अनुनासिक? वेरी गुड, अंश में अनुस्वार आता है, अंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, माताएं, माताएं में अनुनासिक आता है। मंस, मसूबा, मसूबा में अनुस्वार आता है, मंसूबा। पहुंच, पहुंच में अनुनासिक आता है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। फदा,
फंदा। इसमें अनुस्वार मतलब कि अंक की बिंदु आती है। अगला शब्द है मथन मतलब मंथन। इसमें चंद्र बिंदु आती है। मंथन। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। मतलब शब्द तो अलग होता है लेकिन उसका मतलब, उसका मीनिंग सेम होता है। तो चलो बताओ त्योहार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वेरी गुड, त्योहार का पर्यायवाची शब्द होता है उत्सव। ख भगवान, भगवान का पर्यायवाची शब्द होता है ईश्वर। ईश्वर भगवान का पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बेटा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है बेटा। घ सागर, सागर का पर्यायवाची शब्द होता है सरोवर। तो बच्चों अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है दुपट्टा मतलब चुन्नी, चुनरी। अगला शब्द है आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्नि। वेरी गुड, आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 8, दिए गए शब्द समूहों में से शुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको ध्यान से पढ़ना है और सही यानी शुद्ध शब्द पर गोला लगाना है। तो बताइए खुशियों की किस, इन तीन, ये तीन शब्द दे रखे हैं, इन तीन शब्दों में से कौन सा सही शब्द है? खुशियों की स्पेलिंग किस शब्द में सही दे रखी है? वेरी गुड, खुशियां। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। चलिए अगले वाक्य की ओर, अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है प्रज्वलित। प्रज्वलित, कौन सा प्रज्वलित सही लिखा हुआ है? वेरी गुड। तो पहला प्रज्वलित, पहला वाला सही है, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। चलिए अगले शब्द पे बढ़ते हैं, दुपट्टा। दुपट्टा, कौन सा, किसकी स्पेलिंग सही है? वेरी गुड, फर्स्ट वन, पहले वाला, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फागुन। फागुन की, क्या हम उसे फागुन बोलते हैं या फागुण बोलते हैं या फिर फागुन बोलते हैं? नहीं, हम उसे फागुन बोलते हैं, तो हम पहले वाले पर गोला लगाएंगे क्योंकि पहले वाले की स्पेलिंग ठीक है, फागुन। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दिए गए, कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क भक्त, भक्त से क्या वाक्य बनेगा? प्रहलाद, भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। दूसरा शब्द है वरदान। हम वरदान से क्या वाक्य बनाएंगे? होलिका को वरदान के रूप में दुपट्टा मिला था। अगला है बुराई। बुराई से क्या वाक्य बनेगा? चलिए मेरे साथ लिखिए, बुराई पर अच्छाई
कि जीत बुराई पर हमेशा अच्छाई मतलब सच्चे लोगों की जीत होती है। कथा, कथा क्या है? कथा से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? तो बच्चों कथा से हम वाक्य बनाएंगे, मुझे होली की कथा सुनना बहुत पसंद है। अगला शब्द है आज्ञा। आज्ञा से क्या वाक्य बनेगा? प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा से बना प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, आप होली का त्योहार किस तरह से मनाने का योजना बना रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों हर कोई होली का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाता है। कोई होली पे गुजिया बनाता है, कोई दही भल्ले बनाता है। तो आप होली का त्योहार कैसे मनाते हैं? आपको ये चर्चा अपने दोस्तों के साथ करनी है और इसका उत्तर अपनी अपनी किताबों में लिखना है। चलिए आपको अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 11, आप होली के अलावा और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? 5 वाक्यों में बताइए। तो बच्चों होली के अलावा भी ढेर सारे त्योहार होते हैं, जैसे शिवरात्रि, मकर संक्रांति, बैसाखी, लोहड़ी, नवरात्रे, जन्माष्टमी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर और भी कई त्योहार होते हैं। तो आप इनमें से होली के अलावा और कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? आपको दिए गए जगह पर अपनी अपनी किताबों में लिखना है 5 वाक्यों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, कॉलम ख मतलब ये वाला कॉलम तथा कॉलम ख मतलब ये वाला कॉलम बने हैं, दोनों को मिलाकर बताइए कौन सा चित्र किस पर्व से संबंध रखता है। तो बच्चों यहाँ कुछ पर्व यानी कुछ त्योहारों के चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्रों को दिए गए त्योहार से मिलाना है कि कौन सा चित्र कौन सा त्योहार यानी कौन सा पर्व से संबंधित है। तो बताइए पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है? वेरी गुड, पहले चित्र में एक सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट दे रहा है, मतलब यह क्रिसमस का है, यह क्रिसमस का त्योहार है। क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आकर बच्चों को अच्छे अच्छे से गिफ्ट देता है, तो हम इसको क्रिसमस से मिलाएंगे। अगले चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? अगले चित्र में बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं और चक्री जला रहे हैं। हम ये सारी चीजें कौन से त्योहार में करते हैं? वेरी गुड, हम ये सारी चीजें दीपावली दिवाली के त्योहार में करते हैं, तो हम इस चित्र को दिवाली से मिलाएंगे। अगला चित्र है, अगला चित्र किस चीज का है? वेरी गुड, अगले चित्र में लोग माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और यहाँ पे मातम की मूर्ति की स्थापना की गई है। ये हम कौन से त्योहार में करते हैं? नवरात्रि, तो हम इसको नवरात्रि से मिलाएंगे। अगला चित्र किस चीज का है बच्चों? वेरी गुड, अगले चित्र में बहन अपने भाई की कलाई पे उसके हाथ पर राखी बांध रही है और मिठाई खिला रही है। हम ये कौन से, हम अपने भाई के हाथ में किस दिन राखी बांधते हैं? रक्षा बंधन, तो हम इसे रक्षा बंधन से मिलाएंगे। ये किस चीज का चित्र है बच्चों? अभी अभी हमने 5 में पढ़ा, यह चित्र होली का है जिसमें लोग ढेर सारा नाच गाना, रंगों से खेलना, पिचकारियों से खेलना व ढेर सारी उमंगों के साथ इस त्योहार को मनाना।
तो हम इस चित्र को होली से मिलाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी यही खत्म होती है। अब आप लोगों की फेवरेट एक्टिविटी यानी कि आप लोगों की पसंदीदा गतिविधि आई है, जरा रंग भरिए। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, प्रश्न 13, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में होली का सीन दिया हुआ है। इस चित्र में होली बच्चे यहाँ पर होली खेल रहे हैं। तो आपको दिए गए इस चित्र में, इस चित्र के अनुसार रंग भरना है अपनी अपनी किताबों में, वो भी साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आज के लिए यह कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।